माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। यह अति आवश्यक सूचना आपको मैं दे रही हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड के फुलवरिया गांव में ब्रह्म स्थान में अष्टांग पूजा में एक विशेष समुदाय के लोग द्वारा बाधा पहुंचाया गया और दिनांक 8/3/15 को हजारों की संख्या में आकर इस समुदाय के लोगों ने बिहार सरकार के जिला प्रशासन के आंखों के सामने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, लाउड स्पीकर बजाने से रोक दिया। और हिंदुस्तान के अब ये सोच रहा है लोग कि हिंदुस्तान के लोग अगर पूजा कहाँ करने जाए, हिंदुस्तान में न करके कहाँ करे, पाकिस्तान जाए। ऐसी स्थिति आ गई है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर पूरे क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के द्वारा दंगाई दिखाई जा रही है और उस पर अविलंब प्रतिबंध लगे। सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाने में अगर राज्य सरकार विफल रहती है तो उसे बर्खास्त कर समाज में शांति स्थापित की जाए। साथ ही यह कहना चाहती हूं कि फुलवरिया के बगल में चंदनवारा में एक समुदाय विशेष का विश्वविद्यालय है जिसमें अवैध रूप से विदेशी नागरिकों के रहने का खबर मिलती है। यहाँ तक कहा गया जाता है कुछ संस्थान के तहखाने में अवैध हथियार और जाली नोट का भंडार होता है। पूर्व में पुलिस ने कई बार उस कैंपस में रेड करने का कोशिश किया परंतु पुलिस को उसमें घुसने की इजाजत नहीं है। सुनने में आ रहा है कि हिंदुओं को वहां से भगाया जाए ताकि समुदाय विशेष के लोग देशद्रोही गतिविधियों में बिना रोक टोक विशेष लोग बिना रोक टोक के वो अपना काम करता रहा। इसलिए शांति व्यवस्था करने के लिए प्लीज कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मांग करते हैं कि आईबी और रॉब को जांच करने के लिए दिया जाए जो राष्ट्रद्रोही को पनपने का मौका नहीं मिले और हमारे लोग सुरक्षित रहे। बहुत बहुत